प्रदेश सरकार की सफलता पूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने पर पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम अध्यक्ष बाबूराम निषाद के द्वारा पंडित राम के स्थित पार्टी सभागार में विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। प्रदेश सरकार की सफलता पूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 19 मार्च को प्रदेश मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया तथा 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तैयार की गई फिल्म का अवलोकन, गीत का विमोचन, प्रदेश स्तरीय विकास पुस्तिका का विमोचन पौरोहित्य 11 बजे लखनऊ से लाइव कार्यक्रम के द्वारा हुआ, जिसका सजीव प्रसारण पूरे देश में देखा गया। शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद सुल्तानपुर मुख्यालय पर स्थित पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आज प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का आयोजन संपन्न हुआ तथा 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तैयारी की गई और तैयार की हुई जनपद स्तरीय विकास पुस्तिका का विमोचन अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश बाबूराम निषाद के कर कमलों से किया गया। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के समापन के तुरंत पश्चात जनपद मुख्यालय स्थित पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में उन्होंने बताया कि जनपद के विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के कुछ लाभार्थियों को योजनाओं यथा वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऋण टूल किट योजना आदि में धनराशि अथवा प्रमाण पत्र जैसे गोल्डन कार्ड तथा दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल उपकरण आदि का वितरण किया जाएगा। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। तो बहुत बड़ी श्रृंखला है विकास, 450 ऐसे काम हुए हैं जिनकी गिनती में आप मीडिया के सामने नहीं रखते। सुल्तानपुर में 4 साल पहले जो कुछ नहीं हुआ था, इन 4 सालों में योगी सरकार लेकर दिखाया। आज हम अपने विकास की योजनाओं को लेकर आप सबके बीच में, आमजन के बीच में, पूरे समाज के बीच में विषय रखने जा रहे हैं। जो विकास हमने 4 साल में करके दिखाया है, ये आप सबके विश्वास के अनुरूप संभव हो पाया है। आप सबका विश्वास, आप सबका भरोसा हमको मिला, तो हमारी सरकार ने 4 साल में ये सब करके सुल्तानपुर को